हेलो, वो आज क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाना, वो है चैप्टर का नाम, क्वेश्चन भी आता है सिलेबस में है, पोटेंशियल स्टेप। पिछले दिन हमने पढ़ाया है पोटेंशियल इन बॉक्स यानी पार्टिकल इन बॉक्स, आज है पोटेंशियल स्टेप। स्टेप मैंने ऐसे भी सीढ़ी होती है, सीढ़ी पर लोग चढ़ता है, चढ़ने वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है और सीढ़ी की ऊंचाई कम होती है तो आसानी होती है चढ़ने में। उसी तरह यहाँ भी बात है। अब ये देखना है अपने लोगों को हमेशा थ्रू आउट वी हैव टू टेक इन अकाउंट के साहब विथ एवरी पार्टिकल इन मोशन देयर इज़ एन एसोसिएटेड वेव, वो अपने लोगों को बताना। और वेव का इक्वेशन, सोलिंजर वेव इक्वेशन हम लोग जानते हैं पहले से, उसी को अप्लाई करके सॉल्यूशन उसका निकालना और ये बताना कि साहब पार्टिकल जो मोशन में है उसके साथ एक वेव है, और वेव इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ये सब होगा। देन आई स्टार्ट, याद रखना है पोटेंशियल स्टेप। ओके, अगर हम स्टेप बनाते हैं ऐसे लाइक दिस, देख लीजिए ये है सर, ये पोटेंशियल स्टेप। यहाँ कोई पार्टिकल है, ये चला है इधर, अब चला तो इसको ऐसे चलना हम कहें या ऐसे वेव चलना कहें, बात बराबर है, बाद में साबित होगी ये वेव है। दिस इज़ पार्टिकल, इसका मास एम है, इसकी एनर्जी ई है, और ये हाइट है इतना, ये पोटेंशियल हाइट हो गया, ये वी नॉट है, पोटेंशियल हाइट है। हम इसको रीजन वन कहते हैं, पहला रीजन है जहाँ चढ़ना है, और ये दूसरा रीजन है पहाड़ पर चढ़ना, किसी को पहाड़ ही मान लीजिए, देन दैट इज़ सेकेंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये रीजन वन है, दिस इज़ रीजन वन, वन फर्स्ट एंड दिस इज़ रीजन सेकेंड, दिस इज़ रीजन सेकेंड, सेकेंड रीजन। अब इसमें पार्टिकल चलेगा, पार्टिकल अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, और जाएगा फिर उसके साथ एक वेव होगा, वेव इक्वेशन होगा, ये सब हम देखेंगे। देन फॉर रीजन वन वी मे राइट, फॉर रीजन वन, रीजन वन के लिए सोलिंजर इक्वेशन, दिस इज़ पोटेंशियल स्टेप, याद रखना व्हाट इज़ इट, ये पोटेंशियल स्टेप है, स्टेप लाग यहाँ लिखा हुआ है। फॉर रीजन वन ये एम मास का पार्टिकल चल रहा है, इसकी एनर्जी ई है, देन इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम रीजन वन के लिए, सो फॉर रीजन वन श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंजर इक्वेशन विल बी रिटन एज, श्रोडिंजर इक्वेशन मे विल बी रिटन एज, रिटन एज कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक ही डायरेक्शन में चलना है, यहाँ दो डायरेक्शन नहीं है, प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई बराबर जीरो, ये इक्वेशन होगा। एंड फॉर रीजन टू, फॉर रीजन टू यहाँ अगर वेव चलेगा, मैंने पार्टिकल का वेव यहाँ भी होगा, तो फॉर रीजन टू, फॉर रीजन टू, रीजन टू के लिए ये श्रोडिंजर इक्वेशन विल बी रिटन एज, श्रोडिंजर इक्वेशन, इक्वेशन विल बी रिटन एज, विल बी रिटन एज, है ना, रिटन एज कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस ये है, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है ये, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन है इसी, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई माइनस, इसको वी नॉट माना है पोटेंशियल, तो यहाँ वी नॉट हो जाएगा, ई माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई, ये बराबर जीरो। दिस इज इक्वेशन यू से वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन टू। तो अब इस इक्वेशन वन और टू का सॉल्यूशन होगा, वी विल हैव टू सॉल्व इट, एंड सॉल्यूशन के लिए हम फिर लिखेंगे, इफ वी राइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, मे बी सॉल्यूशन का जो फॉर्म होगा वैसा होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में भी, मे बी क्या हो सकता है, ये साई वन बराबर लिखेंगे हम साई का इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए, मे बी इसको हम साई वन कहते हैं, ये साई वन बराबर ए एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स, आई के वन के टू करना है इसलिए कि दो इक्वेशन का ये है, के वन एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स, ये हो नहीं, एंड साई टू बराबर, साई टू इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे,
तो फॉर रीजन टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में भी इतना फॉर रीजन वन है, ये फॉर रीजन वन, रीजन वन एंड फॉर रीजन टू, फॉर रीजन टू इक्वेशन में भी रिटन है फॉर रीजन टू, रीजन टू सेकेंड रीजन के लिए इक्वेशन में भी रिटन है, इक्वेशन में भी रिटन है, रिटन है कैसा लिखा जाएगा साई टू बराबर, इसके लिए भी लिख सकते हैं ए बी सी डी सी लिख लें, एक्सपोनेंशियल आई के टू एक्स, के टू एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के टू एक्स, हेयर के वन बराबर, हेयर के वन बराबर है, के वन बराबर है, के वन बराबर है रूट अंडर टू एम ई, यानी ये मोमेंटम हो गया बाई एच क्रॉस, एच क्रॉस के बराबर हमने कहा हमेशा मोमेंटम होता है, एंड के टू बराबर है रूट अंडर टू एम ई माइनस वी नॉट, वी नॉट बाई एच क्रॉस। तो ये है सर, ये दिस इज़ के वन एंड के टू, एच क्रॉस के बराबर होता है मोमेंटम, और यहाँ भी एच क्रॉस के, ये मोमेंटम, ये मोमेंटम का फार्मूला है। इस इक्वेशन का नाम रख लें, इसका ए बी वन टू नाम रखा है, इसका थ्री फोर रख देते, इसका नाम इक्वेशन थ्री है, इसका नाम इक्वेशन फोर है, इसका नाम इक्वेशन फोर है, बात ठीक। एंड आई तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सब एवरी वन नोज, आई मैंने इमेजिनरी नंबर है, सॉरी ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देन ये हम लोग माना है, लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर रीजन वन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रीजन टू में भी हमने लिखा है, हो सकता है दिस इज नॉट श्योर, एंड हेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स इन दिस इक्वेशन, माने इन इक्वेशन थ्री, ये फर्स्ट टर्म जो है ये रिप्रेजेंट करता है दरअसल इंसिडेंट वेव को, ये वेव जो ये जा रहा है, ये वेव, ये इंसिडेंट वेव है, इसके लिए फर्स्ट टर्म है ए वाला, और सेकेंड टर्म जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव है, निगेटिव हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव के लिए ये इक्वेशन है, ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड वेव, एंड ये इस रीजन में अगर वेव जाएगा तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन का कोई सवाल नहीं है, ये ऐसे अगर वेव जाएगा देन दिस इज़ ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, वेव है ना, ये ट्रांसमिटेड वेव। अब देखिए हम बताएं कि साहब इक्वेशन वन जो है साई वन वाला, इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन हमने लिखा है, तो ये इसका जो वेव होगा वो वेव है, ये इंसिडेंट वेव का ये इक्वेशन होगा, ये प्लस वाला टर्म है, रिफ्लेक्टेड वेव का ये इक्वेशन होगा, ये माइनस वाला टर्म है, माइनस वाला टर्म है, और ट्रांसमिटेड वेव का माने इससे बाहर चला जाए इसके लिए साई टू होगा, इस रीजन का इक्वेशन ये इक्वेशन होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मान लिया हमने, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा, दिस विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज के साहब देर इज़ नो, अगर ये होता ना, ये इसलिए है कि अगर इस रीजन में रिफ्लेक्शन हो, बट आवर कॉमन सेंस सेज कि इस रीजन में रिफ्लेक्शन हैज़ नो रीजनिंग, रिफ्लेक्शन की कोई वजह नहीं है, इस रीजन में कोई पार्टिकल जाके लौट सकता है, लेकिन इसमें जब जाएगा तो फिर लौटाने वाला कोई है नहीं, देन देर इज़ नो रीजनिंग। तो हम लिख सकते हैं कि इन इक्वेशन फोर सेकेंड टर्म दैट इज़ डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के टू एक्स हैज़ नो मीनिंग इन इंग्लिश बिकॉज के देयर इज़ नो रीज़न फॉर रिफ्लेक्शन इन रीजन टू, देयर इज़ नो रीज़न फॉर रिफ्लेक्शन इन रीजन टू। ये व्हाट इज़ दिस फर्स्ट टर्म, ए रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट वेव, बी माने फर्स्ट टर्म वाला, ये फर्स्ट टर्म इतना, सेकेंड टर्म बी एक्सपोनेंशियल माइनस, ये रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव, एंड दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिटेड वेव, दिस टर्म इज ऑफ कोर्स मीनिंगलेस, सो वी विल इग्नोर इट, नहीं वी विल इग्नोर इट बिकॉज हम लिखेंगे इन इक्वेशन थ्री, हम यहाँ लिख देते हैं ये बात, इन इक्वेशन थ्री, इन इक्वेशन थ्री फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टर्म दैट इज, दैट इज कितना है ये ए एक्सपोनेंशियल, ए एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स, आई के वन एक्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट वेव, द इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, वेव। ये सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन वन एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, टर्म दैट इज, सेकेंड टर्म दैट इज
दैट इज बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स, आई के वन एक्स, हाँ करेक्ट, आई के वन के टू, ठीक है, आई के वन, हाँ आई के वन एक्स रिप्रेजेंट्स सेकेंड टर्म, दैट इज इतना रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव वेव इन रीजन वन, दोनों इन रीजन वन है, और ये इन इक्वेशन किस में हुआ, थ्री में, ये थ्री लिखा, टू यहाँ लिख दिया हमने, टू नहीं थ्री, और इन इक्वेशन फोर, इन इक्वेशन फोर, इन इक्वेशन फोर, ये फर्स्ट टर्म, माने फर्स्ट टर्म क्या है, सी है, फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज सी एक्सपोनेंशियल आई के टू एक्स, के टू एक्स रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिटेड वेव, रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड वेव वेव, एंड एंड इक्वेशन एंड टर्म एंड द सेकेंड टर्म, एंड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के टू एक्स, एक्स हैज़ नो रीजनिंग, हैज़ नो मीनिंग, हैज़ नो मीनिंग, हैज़ नो रीजनिंग, इसकी कोई वजह नहीं है, ये नहीं होगा, सो इट विल बी इग्नोर्ड, नो रीजनिंग हम लिख रहे हैं, सो इसलिए इट विल बी इग्नोर्ड, इसको छोड़ दिया जाएगा, इट विल बी इग्नोर्ड, इसको छोड़ दिया जाएगा, याद रखिएगा ये। अब ये तीन वेव है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, इंसिडेंट वेव वाला टर्म अपने लोगों का है दिस, एंड रिफ्लेक्टेड वेव वाला टर्म है दिस, एंड ट्रांसमिटेड वेव वाला है दिस, ये हमने मानने में इस जैसा लिखा और लिखना चाहिए, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टर्म नहीं होगा, अगर हम ये लिखते ही नहीं तो लोग कहता कि इसमें दो कॉन्स्टेंट लिया, इसमें दो बार लिखा, इसमें एक बार काहे लिखा, जबकि इक्वेशन तो एक जैसा है, तो इसीलिए हमने वैसा लिखा। ओके, अब नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन विथ नेसेसरी बाउंड्री कंडीशन, तो हम इसको मिटाएंगे, नोट कर लीजिए ज़रा, ठीक है, इसी से मिटा, देखिए अब है ये कि साई वन साई टू है, ये साई वन साई टू और इसका डिफरेंशियल, साई वन साई टू को भी फाइनाइट होना है, माने इसका कुछ मतलब आना चाहिए, कोई वैल्यू आना चाहिए, इसका जो आइगन वैल्यू इसको फाइनाइट होना है, और साथ साथ वो कंटिन्यूस भी होगा, ये फाइनाइट भी होगा, कंटिन्यूस माने लगातार वो भी होगा, और इसका जो सेकंड डिफरेंशियल होता है जिससे आइगन वैल्यू आता है, माने डी साई डी टू साई वन बाई डी एक्स स्क्वायर अगर करेंगे, डी टू साई टू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, माने एक्स के साथ डिफरेंशिएट इसको करेंगे, तो ऐसी हालत में वो भी फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन वो फाइनाइट हो, साई वन साई टू हमेशा फाइनाइट होता है, और डी फाइनाइट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, और डी साई वन डी टू साई बाई डी वन स्क्वायर, डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर कंटिन्यूस तब होगा जब वो कंटिन्यूस हो, तो क्या कंटिन्यूस हो, साई वन बराबर साई टू हो, एंड डी साई वन बाई डी एक्स बराबर डी साई टू बाई डी एक्स हो, ये बाउंड्री कंडीशन कहलाता है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, कंडीशन फॉर फॉर द फंक्शन टू बी फॉर डी टू साई, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर टू बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूस, टू बी फाइनाइट, टू बी फाइनाइट, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी दैट दैट वो साई भी कंटिन्यूस एंड साई भी कंटिन्यूस, साई भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो, एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव टू, फर्स्ट डेरिवेटिव टू, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव माने एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव
डेरिवेटिव बी कंटिन्यूअस नहीं बी कंटिन्यूअस दैट इज टू गिव ए फाइनाइट वैल्यू या टू रीच टू हैव ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स ए बी सी डी वी मस्ट अप्लाई दिस बाउंड्री कंडीशंस. हमने लिखा बाउंड्री कंडीशंस फॉर इतना टू बी फाइनाइट इट इज़ नेसेसरी दैट साई बी कंटिन्यूअस एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव बी कंटिन्यूअस. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज बाउंड्री कंडीशन इम्प्लाइज. फिर हम लिख देते दैट इज बाउंड्री कंडीशंस इम्प्लाइज कंडीशन इम्प्लाइज साई वन बराबर साई टू. साई कंटिन्यूअस होने का मतलब एंड ऑल्सो डी साई वन बाई डी एक्स बराबर डी साई टू बाई डी एक्स. ये होना चाहिए डी साई टू बाई डी एक्स. तो ये फर्स्ट कंडीशन इम्प्लाइज वन ये टू है ना. ये अच्छा होता थ्री फोर हो गया उसमें लिखा हुआ है नंबर दिया हुआ है इसको ए बी ही लिख लीजिए. तो बाउंड्री कंडीशंस ए बी इम्प्लाइज के साहब तीन में क्या होगा अगर डी साई वन बाई डी एक्स बराबर डी साई टू बाई डी एक्स हो और साई वन बराबर साई टू अगर हो साई वन साई टू हो तो इसका मतलब ये है कि साहब एट एक्स बराबर ज़ीरो भी याद रखिए. बाउंड्री कंडीशन इम्प्लाइज एट एक्स बराबर ज़ीरो माने जहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे अभी बना हुआ था ना अपने लोगों का ऐसे यहाँ पर एक्स बराबर ज़ीरो था दिखाई था हमने तो वहाँ पर ज़ीरो होगा तो वो ए प्लस बी यानी ये टर्म वन हो जाएगा ये टर्म भी वन हो जाएगा. ये तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करता इसलिए इसकी बात ही नहीं. तो ए प्लस बी बराबर सी होगा. कितना होगा ए प्लस बी बराबर सी ये होगा डी हाँ एंड ऑल्सो इतना. तो अब हम लोग लिखेंगे सो कंडीशन वन इम्प्लाइज कंडीशन ए इम्प्लाइज साहब वन एक्स बराबर ज़ीरो है माने जहाँ से स्टार्ट हुआ चरना एक्स ऐसे था ना यहाँ पर एक ज़ीरो था यहाँ एक्स बराबर ज़ीरो होना चाहिए. साई वन मस्ट बी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होने का मतलब हमने लिखा है साई वन कंटिन्यूअस माने साई वन बराबर साई टू होगा एंड दैट इज़ जब साई वन साई टू होगा तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा सी दैट इज़ ए प्लस बी बराबर सी होगा है ना. एंड कंडीशन बी ये अब डी साई वन बाई डी एक्स यहाँ से करके देखिए ये डी साई वन बाई डी एक्स जब करेंगे इसको तो आई के वन आ जाएगा आई के वन ए आ जाएगा और फिर एक्सपोनेंशियल वही रहेगा यहाँ माइनस आई के वन आ जाएगा यहाँ भी तो आई के वन कॉमन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा और ये बराबर डी साई वन बाई डी साई टू करना है कंडीशन भी ये करना है इसका डिफरेंशियल ये आई के टू हो जाएगा आई के टू सी होगा. डिफरेंशियल करना आता होगा ना शायद आता है तो एकदम ठीक है एकदम आसान है क्वेश्चन अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो पूरा डिफरेंशिएशन ही है पूरा काम वही करना. ये कंडीशन हम कह रहे हैं ये इम्प्लाइज कहाँ पर हमने लिखा कंडीशन ए इम्प्लाइज वन एक्स बराबर ज़ीरो साई वन बराबर साई टू. पीपल में आस्क हाउ एक्स का मान यहाँ ज़ीरो पुट करो ये ख़त्म हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये भी वन हो जाएगा है ना ई पावर माइनस आई एक्स मैंने वन ही होता है और ये भी वन हो जाएगा एक्स ज़ीरो पुट करेंगे ई पावर ज़ीरो हो ई पावर माइनस ज़ीरो मैंने बात वही है अरे ये तो है ही नहीं. तो सो आई रोट ए प्लस बी बराबर सी लेकिन नाउ अब इसमें देखिए कंडीशन टू में कंडीशन टू है ये बी इम्प्लाइज हमने लिखा है इक्वेशन बी इम्प्लाइज डी साई वन बाई डी एक्स बराबर डी साई टू बाई डी एक्स. तो डी साई वन बाई डी एक्स की जगह करेंगे तो यहाँ के वन आ जाएगा आई आ जाएगा एक्सपोनेंशियल वही रहेगा ये आई के वन हो जाएगा फिर जितना है उतना रह जाएगा ए आ जाएगा. हाँ ठीक है ओके. तो कह रहे थे हम अब कंडीशन बी ए इम्प्लाइज करना है इसका डिफरेंशियल करना आना चाहिए और वो आ जाएगा आई के वन में आ जाएगा ए प्लस माइनस आई के वन बी यानी आई के वन ए माइनस बी आ जाएगा ये है ना. नहीं बी नहीं आएगा ये आई के वन ऐसे ही रहेगा माइनस नहीं आएगा यहाँ
इसको डी बाई डी एक्स करेंगे, ये आई के वन आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स को, और इसमें आ जाएगा ये सी में आई के टू आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे के वन, के वन कॉमन होगा, के वन कॉमन होगा, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, है ना। और उसके बाद आई कॉमन, आई भी कॉमन होगा, आई भी होगा, आई भी होगा, यहाँ आई कॉमन होगा, आई के वन ए माइनस बी बराबर होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये बराबर सी, सी का डिफरेंशियल करना है डी साई वन बाई साई टू हो गया। अब कंडीशन भी ये इम्प्लाई कर रहे हैं डी साई टू बाई डी एक्स, ये होगा आई के टू सी, ये होगा। अब नाउ आई आई कैंसिल्स आउट, तो इसका मतलब हो गया के वन ए माइनस बी बराबर के टू सी, इम्प्लाइज ये कितना हो गया के वन ए माइनस बी, या हम लिख दें अगर a माइनस बी बराबर a माइनस बी अगर लिख दें तो ये बराबर हो जाए k2 टू बाई के वन सी, ऐसा हो जाए k2 टू बाई के वन सी, ठीक है, a माइनस बी बराबर। तो ये इक्वेशन हुआ, दिस इज इक्वेशन। अब देखिए यहाँ आया था ऊपर में है a प्लस बी बराबर सी, नीचे में है a माइनस बी बराबर इतना इतना, तो कितना हुआ, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ नीचे में लिखें फिर उधर मिटाते हैं, इधर नोट कर लीजिए जितना नोट किया है नोट कर लीजिए, देन इसको फिर करेंगे हम, ओके यहाँ मिटा देना, हाँ नोट कर लिए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इस दोनों को अगर सॉल्व किया जाए, इस इक्वेशन को देखिए आई मैंने बॉक्स इट, ये जैसे इसको सॉल्व किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका नाम चलिए अगर नाम रखना है तो इसका नाम छोटा सी, इसका नाम छोटा डी रख लीजिए, ये सी प्लस डी एंड सी माइनस डी अगर कर लेंगे हम लोग तो निकल जाएगा, ये सी प्लस डी इम्प्लाइज इक्वेशन सी प्लस इक्वेशन डी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज क्या होगा देखिए, ए बी भी कट जाएगा, टू ए बराबर होगा के वन प्लस के टू, माने सी कॉमन होगा के टू कॉमन होगा, तो कितना होगा ये ए माइनस बी प्लस टू ए बराबर आ जाएगा, टू ए बराबर, टू ए बराबर के टू सी है, के टू सी है और के टू प्लस के वन है, के टू प्लस के टू बाई के वन, के टू बाई के वन सी, ठीक है सी, इसका इसका मतलब ये हो गया कि साहब के वन के टू प्लस के वन के टू प्लस के टू बाई के वन सी, ये हो गया। देखिए ये ठीक है, a प्लस बी बराबर सी एंड a प्लस बी बराबर के टू बाई के वन सी, ठीक है, ए माइनस बी बराबर, दोनों को जोड़ दिया, b भी कट गया, 2a बराबर आया, कितना 2a बराबर कितना आएगा, ये इस दोनों को जोड़ देंगे तो k2 कॉमन आएगा, वन प्लस के टू बाई के वन, या के टू है के टू प्लस बाई के वन, ठीक है ये, हाँ ठीक। और हाँ इसके बाद वो ए बराबर आ गया इतना, नहीं तो इसलिए सी, सी बाई ए कितना आएगा, सी बाई ए, सी बाई ए, ए है इंसिडेंट वेव और सी है वो वेव, ठीक है ये टू ए बराबर इतना, इसका मतलब कि साहब ये दैट इज़ ए या सी बाई ए, ए बराबर आएगा के वन, के वन बाई के वन प्लस के टू बाई के वन, के वन प्लस के टू बाई के वन, ठीक है ना, के वन प्लस के टू, एक सेकेंड, के टू बाई के वन, ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, देख लीजिए ये के वन एक्स था, के वन एक्स है, के वन ए प्लस बी यहाँ था ना, बाउंड्री कंडीशन में पहला में आया है ए प्लस बी बराबर सी, दूसरा में है के वन ए माइनस के वन बी बराबर के टू सी, के टू सी आई डी साई वन डी ए आई के वन, आई के वन है, ठीक है, ए माइनस बी बराबर आई के टू सी, तो के टू बाई के वन है, ठीक है, ए माइनस बी बराबर इतना है, एकदम ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए कि साहब सी बाई ए बराबर कितना होगा, यहाँ अगर सी बाई ए कर लें, ये टू ए बराबर है इतना, के टू प्लस के वन बाई इतना इतना, इसलिए ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा यहाँ, दैट इज़ ए बराबर, ए बराबर होगा
ये K1 K2 प्लस K2 माने K2 को कॉमन ही हटा दीजिए, K2 ये हो गया कॉमन हटा दें तो 1 प्लस K2 बाई K1 बाय 2 बाई 2 C ए बाई 2 C ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ राइट। एंड इसी तरह से अगर इसको हम लोग घटा दें तो घटाने में क्या होगा, a + b - a - b अगर इसको कर देंगे तो ये a कट जाएगा, 2b बराबर बचेगा। एंड 2b बराबर इम्प्लाइज c - d कर लीजिए, इस दोनों को घटा दीजिए, इम्प्लाइज ये b कट जाएगा तो ये बचेगा a, 2b बचेगा घटाने पर, माइनस a कट जाएगा b बचेगा। 2b बराबर कितना होगा, 2b बराबर होगा, 2b बराबर होगा ये c, दोनों को घटाएंगे देन ये c कॉमन आएगा, K2 है ना a - b = c, तो K2 / K1 2b, देखिए यहाँ इसको, इससे इसको घटा दिया, a कट गया 2b हो गया, अब यहाँ c इतना है 1 - K2 / K1 आएगा, 1 - K2 / K1 c आएगा, 1 - K2 / K1 इंटू c, ठीक है। और यहाँ K2 / K1 यहाँ भी था, K2 / K1 1 - K2 / K1 इंटू K1 ये हो गया और ये c हो गया, तो इसलिए से ये b/c बराबर निकल गया कितना, a इंसिडेंट वेव है और b रिफ्लेक्टेड वेव है, c ट्रांसमिटेड वेव है, तो कितना होगा यहाँ इम्प्लाइज b बराबर कितना होगा, b बराबर होगा K1 - K2 by K1 और इनटू ये K1 - K2 by K1 ठीक है ना, इनटू K1 C ठीक है, इनटू K1 C ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 1 - K2 by K1 K1 - K2 यहाँ K1 + K2 ठीक है by K1 ओके, तो ये निकल गया ये, ठीक है एकदम ठीक है, -K1 K1 C K1 कट जाएगा, K1 - K2 C बचा और वहाँ K2 कट जाएगा, K2 + K1 C बचे। देखिए ठीक से ज़रा सा इसको, हमको लगता है कहीं पे ज़रा सा गलती हो रही है, C + D इसको जोड़ घटाव करना और कुछ करना नहीं है, Ψ1 + Ψ2 किया है तो a + b = c हो गया है, और यहाँ IK1 होगा, IK1 a - IK2 b में IK1 K2 था, यहीं पे गलती किया हम लोगों ने है शायद, गलती यहीं पे किया है, ज़रा सा देख लीजिए इसको, ज़रा सा देख लीजिए, ए d Ψ1 / dx बराबर कितना है, d Ψ1 बराबर कितना था, Ψ1 बराबर था ये यहाँ a exponential IK1x + b exponential - IK1x ये था, एंड Ψ2 बराबर था c exponential IK2x ये था। यहाँ पर ज़रा सा गलती दिख रही है इसीलिए हम इसको फिर दोबारा कर दे रहे हैं, तो इसमें देखिए एकदम आसान है। अब पहला कंडीशन है कि साहब कंडीशन ए इम्प्लाइज Ψ1 / Ψ2 वेन x = 0 एक्स को जीरो पुट कर देंगे, पुटिंग x = 0 कितना आएगा, पुटिंग x = 0 वी गेट x 0 कर दीजिए तो a + b आएगा और यहाँ c आएगा सिर्फ, और Ψ1 / Ψ2 होना है इसका मतलब a + b = c। अच्छा उसके बाद पुटिंग फिर x = 0 इक्वेशन बी का कंडीशन है d Ψ1 / dx बराबर होना है d Ψ2 / dx ये होना है, तो इसको x के साथ डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आएगा IK1 उसके बाद a एक्सपोनेंशियल जैसे आएगा इसको ज़ीरो रखेंगे तो IK1 a हो जाएगा, IK1 a मल्टीप्लीकेशन होगा ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, d Ψ1 / dx = d Ψ2 / dx ये करना है और कहाँ पर, एट x = 0 पर, तो x को ज़ीरो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो IK1 आएगा और इतना टर्म आएगा exponential IK1x ये टर्म ज़ीरो हो गया, प्लस ये माइनस आएगा -IK1 IK1 b ये बराबर इतना हो गया, और इसको करना है ये d Ψ1 / dx हुआ और x 0 पुट करने पर, ये यहाँ पुट करना है d Ψ2 / dx तो ये IK2 हो जाएगा,
आई के टू सिर्फ आएगा सी, आई के टू सी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ज़रा सा इसको हम मिटा ही देते हैं, कहीं गलती हो गई है, वो यहाँ तक मिटा देते हैं, एक सेकंड। सही कर लेने के लिए इसको मिटा देने में कोई परेशानी नहीं है, कहीं पर कुछ छूट गया इसीलिए गलती है। यहाँ देखिए ये पहला इक्वेशन है ए प्लस बी बराबर सी, इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ आई के वन कॉमन है, आई के वन कॉमन है, आई के वन, और यहाँ हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये बराबर हो गया आई के टू सी, आई ख़त्म। इसका मतलब ये है कि साहब दैट इज़ ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर हो गया के टू सी, ए माइनस बी बराबर के टू सी नहीं, के टू बाई के वन सी, के वन यहाँ है ना, के टू बाई के वन सी सी, और वहाँ कितना आया है ए प्लस बी बराबर सी, यहाँ आया ए प्लस बी बराबर सी। अब इस दोनों से निकालना है दोनों को, तो ए प्लस बी बराबर सी हो गया, नाउ ए प्लस बी बराबर कितना है ये सी, और के वन के टू तो कहीं आया ही नहीं, इसलिए कि साहब वो तो डिफरेंशियल हुआ ही नहीं, डायरेक्ट वो है साई वन बराबर साई टू किया हम लोग, तो ए प्लस बी बराबर सी है, ठीक है ओके। तो ए प्लस बी बराबर ये सी है। अब देखिए अब आ जाएगा, अब ये गलती यहाँ थी, यहाँ ए प्लस बी बराबर सी लिखा था, ए माइनस बी बराबर के टू बाई के वन सी लिखा है, जोड़ने घटाने में गलती थी, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर दोनों को जोड़ दें दैट इज़ टू ए, टू ए ये बराबर होगा वन प्लस के टू बाई के वन, वन प्लस के टू बाई के वन सी है ना, और ये क्या होगा, ठीक है। और इसमें फिर अगर घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो टू बी बराबर होगा, टू बी बराबर होगा ये, इसमें से इसके घट जाएगा ये वन माइनस के टू बाई के वन इंटू सी, ये होगा। यानी इस टर्म में से इस टर्म को घटा देंगे तो ए कट जाएगा, ये टू बी आएगा, टू बी बराबर इतना होगा, टू ए बराबर इतना होगा। इसका मतलब यह हो गया कि साहब ए बराबर हो गया दैट इज़ ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू बाई टू के वन, ये हो गया ए बराबर। एंड बी बराबर कितना हुआ एंड टू सी, सी भी है ये के वन प्लस के टू बाई टू सी, एंड बी बराबर कितना हो गया के वन माइनस के टू, के वन माइनस के टू बाई टू के वन, बी बी भी के वन ही है, हाँ बाई टू के वन, वन माइनस के टू बाई के वन है, बहुत अच्छा, बाई टू के वन सी, टू के वन सी, टू के वन सी, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब ठीक है। अब अगर सी निकालें तो सी के टर्म में ये निकल जाएगा, ए बराबर आ गया के वन प्लस के टू बाई टू सी वन। अब इसमें निकाला जा सकता है कि कितना ट्रांसमिटेड हुआ और कितना रिफ्लेक्टेड हुआ। अगर रिफ्लेक्टेड वेव निकालना हो, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट निकालना हो, तो निकालना होगा बी बाई सी, नहीं बी बाई सी, एंड ट्रांसमिशन कोफिशियंट निकालना हो तो निकालना होगा ए बाई सी, ठीक है। ए बराबर आ गया के वन प्लस के टू बाई टू के वन, बी बराबर आ गया इतना, ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक है, बहुत अच्छा। नाउ इट इज़ 100% राइट। नाउ यू सी के क्या होगा, अच्छा ये बात सब थोड़ा याद भी रखनी चाहिए, इसलिए कि क्वेश्चन इज़ लंबा, कैलकुलेशन लंबा है, अपने लोगों को निकालना है वो, मैंने और अभी आगे बहुत करना, जितना किया है इसका तो डबल करना अभी, अभी तो इससे छुट्टी ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ लिखें, देखिए सी है ये वेव एंड ये इतना है, अगर हम सी के टर्म में लिखें कि साहब सी बराबर, सी क्या है याद है, सी है ट्रांसमिटेड करेंट, ए है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करेंट, सी है ट्रांसमिटेड करेंट का मतलब ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, बी है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। होता यह है कि अगर रिफ्लेक्टेंस निकालना है, माने कितना रिफ्लेक्ट हुआ, तो करना पड़ता है कि साहब रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है डिवाइडेड बाई इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। उसी तरह से अगर ट्रांसमिटेड वेव का निकालना, कितना ट्रांसमिट हुआ, तो ट्रांसमिटेड का कितना है और इंसिडेंट का कितना है, ये निकालना पड़ता है। तो दैट इज़ अगर हम लोगों को निकालना है रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस कितना है, रिफ्लेक्टेंस तो ये बराबर होगा दरअसल एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड वेव वेव डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ
इंसीडेंट वेव, इंसीडेंट वेव, ये याद रखना हमेशा, इंसीडेंट वेव ये बराबर कितना हो गया, अब एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव का कितना है मालूम है, ये है बी, तो पहले ही लिखा है, और इंसीडेंट वेव का कितना है ए, दैट इज़ बी बाई ए, दैट इज़ यहाँ ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है बी, ये इसको बी और डिवाइडेड बाई ए, तो बी बाई ए करिए तो कितना होगा, अगर बी बाई ए कर लें हम लोग ये टू के वन, टू के वन कट जाएगा, ये बचेगा के वन माइनस के टू बाई के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू इतना ही बचेगा, रिफ्लेक्टेंस ऑफ एम्पे सी सी तो कट जाएगा, बी बाई ए किया है, बी डिवाइडेड बाई ए, सी सी विल कैंसिल आउट, ये इतना होगा। एंड उसी तरह से अगर ट्रांसमिटेंस निकालें कि कितना ट्रांसमिटेड होगा, ट्रांसमिटेंस निकालें है ना, तो ट्रांसमिटेड टेंस बराबर होगा एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसीडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसीडेंट वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसीडेंट वेव, इंसीडेंट वेव, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज सी एंड इंसीडेंट वेव इज वी इज ए, देन सी बाई ए करना पड़ेगा, देन सी बाई ए बराबर कितना होगा, ये बराबर है एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव यहीं पर लिख देते हैं सी, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इंसीडेंट वेव है ए, देन सी बाई ए बराबर कितना है, देखिए वहाँ से कर लीजिए, ये बराबर है टू के वन सी बाई ए, तो के वन ए वाला ऊपर चला जाएगा सी बाई ए, तो ए ऊपर जाएगा टू के वन, ये टू के वन आएगा, टू के वन बाई के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू इतना आएगा, तो इसको याद रखना चाहिए, और यही ट्रांसमिटेंस माने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब हम लोगों को निकालना है दरअसल कि साहब वो करंट कितना है, माने एम्पली इसका इंसीडेंट वेव का करंट कितना है और रिफ्लेक्टेड वेव का करंट क्या है, करंट करंट माने वेव करंट। अब वेव करंट निकालने के लिए एक इक्वेशन है, साई वेव फंक्शन होता है ना, तो साई का वेव फंक्शन अगर निकालना है तो देखिए प्रोबेबिलिटी करंट उसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट जो होता है, प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा, ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट वेव का कितना करंट, ट्रांसमिटेड वेव का कितना करंट, माने वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। एंड फॉर प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ ए वेव हम लिख देते हैं यहाँ, फॉर प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ ए वेव, करंट ऑफ ए वेव, ऑफ ए वेव ये होता है, ये बराबर होता है, माने ये बराबर उसको प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ ए वेव जे, मान लीजिए ऑफ ए वेव से जे इज गिवन बाय, इज गिवन बाय ऐसे लिख देते हैं हम, इज गिवन बाय जे ही कह दें, जे माने करंट हो गया, ये करंट हो गया प्रोबेबिलिटी करंट, प्रोबेबिलिटी करंट, प्रोबेबिलिटी पर ही सारा बेस्ड है ये, प्रोबेबिलिटी करंट ये बराबर होगा, देखिए ये बराबर होगा कितना कितना, ये होगा इसका फार्मूला एक होता है एच क्रॉस बाय टू पाई आई एम, टू पाई आई एम या टू आई एम है, टू पाई आई नहीं, टू आई एम है, एच क्रॉस बाय टू आई एम, और ये होता है साई स्टार, साई स्टार डी साई बाय डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाय डी एक्स, ये प्रोबेबिलिटी करंट का डेफिनेशन है। अब साई स्टार का क्या मतलब है, साई स्टार का मतलब है कि साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ इमेजिनरी नंबर है उसका निशान बदल देना है, जहाँ प्लस आई है वहाँ माइनस आई कर देना है, जहाँ माइनस आई है वहाँ प्लस आई कर देना है। अब जैसे हम कहें कि साहब इंसीडेंट वेव का क्या इक्वेशन था, तो इंसीडेंट वेव का इक्वेशन था क्या था, वो इंसीडेंट वेव का इक्वेशन था से ए था ना, साई वन हमने लिखा था, साई वन ये लिखा था ए एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स ये लिखा था, प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स ये लिखा था, बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स, एंड साई टू को लिखा था ये ट्रांसमिटेड वेव है, इसको लिखा था सी एक्सपोनेंशियल आई के टू एक्स ये लिखा है, के टू एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के टू एक्स ये लिखा है, लेकिन ये टर्म डज नॉट एग्जिस्ट के बिकॉज रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं है इसमें,
ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये ट्रांसमिटेड वेव है, ये अपोजिट करने पर ट्रांसमिशन का उल्टा होता है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर प्रॉब्लम। तो ये तीन वेव है। तो अगर हम इंसिडेंट वेव का पूछें कि साहब ये क्या है, तो अपने लोगों को लिखना होगा, मैंने इंसिडेंट वेव का करंट तो लिखना पड़ेगा d psi 1 स्टार, यहाँ psi 1 स्टार लिखना पड़ेगा, d psi 1 बाई डी एक्स लिखना होगा, प्लस यहाँ साई लिखना पड़ेगा फिर, और d psi स्टार बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, d psi 1, psi 1 का लिखेंगे तो, फिर psi 2 का लिखेंगे तो इसी तरह से d psi 2 स्टार बाई डी साई बाई डी एक्स होगा, माइनस साई टू हो जाएगा, डी साई टू स्टार बाई डी एक्स होगा। हमको लगता है कि साहब आज अगर इतना करके छोड़ा जा सकता है क्या, आज इतना करके छोड़ दें, नेक्स्ट पे इसमें कर दें इसको, नहीं तो अच्छा हो, नहीं तो फिर और अभी लंबा होगा, अभी डिफरेंशियल काफ़ी करना एंड लड़के विल गेट हॉच पॉच। हमको लगता है यहाँ से यहाँ तक अगर जितना हमने पढ़ा दिया उतना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ लीजिए, और उसके बाद देन इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। हम साई नहीं लिखेंगे आगे, ये जनरल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी करंट का, ये जनरल फार्मूला है जिसको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, एच क्रॉस बाई टू आई एम, और ये साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स, ये करना है। अब हम अपने लोगों को साई वन के लिए भी करना है और साई टू के लिए भी करना है। साई वन में दो आएगा, साई वन के लिए इसका भी करना है, माने इस वेव का भी, इस वेव का भी, दोनों का करना है। साई वन स्टार करेंगे तो, और साई टू स्टार करेंगे तो फिर उसका करना है, माने वो दोनों करेंगे हम लोग, देन आएगा इंसिडेंट करंट भी आ जाएगा और ये भी करंट आ जाएगा। थोड़ा सा और चाहें तो हम लिख दें, नहीं नहीं तो साई वन लिख दें अभी, कितना करें, ओके क्या करें, छोड़ दें, हाँ छोड़ देने में, कल के लिए दूसरे दिन के लिए कर दें इसको या कर ही दें, कर देने में लंबा होगा थोड़ा, क्या कर दें, छोड़ दें, ठीक है।